चलो जी हाँ दोस्तों डेढ़ दो महीना पहले ब्रिंजाल के बारे में वैसे भी एक वीडियो हमने बनाकर डाल दिया था और उस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे किसान भाई उसको मंगाया और अपने बैगन के खेत के अंदर डाला भी लेकिन क्या उसका रिजल्ट अच्छा मिला है कि नहीं मिला है या फिर बैगन का जो फसल है उसके लिए कीड़ा के लिए कैसा काम करता है और उसके साथ साथ आज हम इस वीडियो में ब्रिंजालो को एकदम लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल के साथ रिजल्ट के साथ छिड़काव करके आप लोगों को दिखाएंगे कि ब्रिंजालो क्या होता है कैसा होता है कितने मात्रा में यूज कर सकते हैं कौन कौन सी फसल में यूज कर सकते हैं या फिर कैसा इसका प्राइस है कितना पैकिंग साइज आता है कैसे मंगा सकते हैं पूरी जानकारी आप लोगों को ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे और जैसा कि अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अभी हम बैगन के प्लॉट के अंदर ही हैं और अगर ये जो किसान है इस किसान ने ब्रिंजालो कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो भी आप लोगों को यहाँ पर आगे यहाँ पर दिखाएंगे तो जैसा कि यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी किसान भाई दवा को यूज़ किए हैं सभी दवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इधर कितना सारा ब्रिंजालो यूज किए हैं तो कैसा इसका रिजल्ट है यानी कि ज़्यादा रिजल्ट है क्या नहीं है आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बट हाँ उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिंजालो क्या होता है तो ब्रिंजलो एक ब्रिंजालो एग्रोकेमिकल कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि इसको स्पेशली बैगन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आखिर इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन मिलता है तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों कोई भी प्रकार की कंपोजिशन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जी हाँ जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रकार की केमिकल जो होता है वो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और एक्चुअली इसका पूरा नाम जो है वो लेब्रा ब्रिंजालो है लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रिंजालो नाम से जानते हैं तो ब्रिंजालो है जो ये आखिर क्या बैगन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी अदर फसल में भी इस्तेमाल किया जाता है तो देखिए ब्रिंजालो को अगर आप लोग बैगन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है लेकिन ये किस फसल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बैगन के ऊपर इसका रिजल्ट काफी तगड़ा है तो आखिर बैगन का कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है तो जी हाँ बैगन में सबसे जो खतरनाक कीट होता है तना छेदक और फल छेदक उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और अदर फसल में जैसे कि भिंडी टमाटर मिर्चा उसके लिए भी अगर आप लोग तना छेदक फल छेदक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है लेकिन बैंगन के ऊपर अगर आप लोग प्रिवेंटिव या फिर क्यूरेटिव दोनों स्टेज में स्प्रे करते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है प्रिवेंटिव यानी कि अगर मान के चलिए बैगन के खेती में आपका कोई भी प्रकार की इल्लियों का यानी कि तना छेदक या फिर फल छेदक का प्रकोप नहीं हुआ है और एडवांस में अगर आप लोग ब्रिंजालों को छिड़काव करना चाहते हैं ताकि हमारे फसल में तना छेदक फल छेदक का प्रकोप होगा ही नहीं इसलिए तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आप लोगों को बारह से पंद्रह दिन तक कोई भी प्रकार की तना छेदक और फल छेदक का अटैक नहीं देखने को मिलेगा और अगर आपकी फसल में तना छेदक और फल छेदक का प्रकोप ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद उसको आप लोग बार बार कोई भी दवा को छिड़काव करके थक गए हैं जो कि उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस हालत में अगर आप लोग ब्रिंजालों को स्प्रे करते हैं तो भी इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है आठ से दस से बारह दिन तक ये कंट्रोल करके रख देता है एक बार स्प्रे करने से तो आखिर बात कर लेते हैं कि ब्रिंजालों को हम लोग कब और कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर बैगन के फसल के अंदर प्रयोग कर रहे हैं ब्रिंजलों को तो आप लोगों को बता दे रहे हैं 15 से 16 लीटर वाला पंप जो होता है उसके लिए आप लोगों को 15 एमएल ब्रिंजालों को डालना है जैसा कि हम यहाँ पर पंद्रह एमएल ब्रिंजालों को डाल रहे हैं और मेरा जो पंप है वो पंद्रह से सोलह लीटर वाला पंप ही है और उसके साथ साथ आप लोगों को एसिटोमाप्रीड या फिर जो काटा हाइड्रोक्लोराइड 50% परसेंट एस पी में मिलता है उसको आप लोगों को 15 ग्राम मिलाना है कोई भी दवा को चाहे एसिटोमाप्रीड को मिलाना है तो भी 15 ग्राम मिलाना है चाहे काटा हाइड्रोक्लोराइड 50% परसेंट एस जो मिलता है उसको भी आप लोग मिलाना चाह रहे हैं तो मिला सकते हैं पंद्रह ग्राम ही मिलाना है तो काटा फाइड्रोक्राइड को 15 ग्राम और ब्रिंजालो को भी आप लोगों को 15 एम और उसके साथ साथ आप लोगों को किसी भी कंपनी का अच्छा ब्रांड का सुपर स्प्रेडर को 2 एम मिक्स करना है जैसा कि हम यहाँ पर ट्रिगर टू नाम पे एक सुपर स्टिकर आता है उसको हम मिला रहे हैं तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से घोल को बना लेना है और उसके बाद सुबह के समय या फिर शाम को समय ही छिड़काव कर देना है ब्रिंजालो को बैगन के फसल के अंदर तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन काफी सारे किसान भाई पूछते हैं क्या हम ब्रिंजालों के साथ किसी भी दूसरे इंसेक्टिसाइड को भी मिला सकते हैं तो आप लोगों को बता देते हैं आप लोग किसी भी कंपनी का अगर आप लोग इसके साथ मिलाना चाह रहे हैं तो मिला सकते हैं लेकिन कोई आप लोगों को दूसरे दवा को मिलाने का जरूरत नहीं है ये अकेला काफी है बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इसको तना छेदक और फल छेदक के लिए इस्तेमाल करते हैं बैगन के लिए या फिर अगर आप लोग किसी भी फसल में दूसरे फसल में छिड़काव करना चाह रहे हैं जैसे कि टमाटर भिंडी मिर्चा तो भी आप लोग छिड़काव कर सकते हैं फल छेदक के लिए या फिर तना छेदक के लिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा लेकिन उसमें आप लोगों को डोज अगर दस से बारह एम रखते हैं तो भी आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा पंद्रह एम लेने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग बायचानस पंद्रह एम एल भी ले, ले लेते हैं तो भी आप लोगों का नुकसान कोई भी फसल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों ब्रिंजालों को छिड़काव करना है और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट लेना है अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ब्रिंजालो का रिजल्ट टाइम कितना होता है यानी कि एक बार अगर हम लोग ब्रिंजालो को बैगन के फसल में स्प्रे करते हैं तो कितने दिन तक ये इल्लियों का प्रकोप को कंट्रोल करके रखता है तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं ब्रिंजालो को अगर आप लोग सही तरीके से जैसा हमने बताया उस तरीके से यूज करते हैं बैगन के ऊपर तना चतक और फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए तो आप लोगों को दस से बारह दिन तक कोई भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिले और अभी बात कर लेते हैं पैकिंग साइज के बारे में और प्राइस के बारे में तो बाजार में आप लोगों को पचास एम और सौ एम का पैकिंग में मिलता है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे ये है पचास एम का डिब्बा और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यह है सौ एम का डिब्बा तो पचास एम का जो प्राइस है वो आप लोगों को साढ़े तीन सौ के आसपास मार्केट में मिल जाएगा और जो सौ एम का डिब्बा है वो आप लोगों को साढ़े छः लेकर के छः सौ तक आप लोगों को सौ एम का डिब्बा मिल जाएगा लेकिन काफी सारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को मंगाया अभी और बहुत सारे किसान भाई अपनी फसल के अंदर प्रयोग भी किया है और मुझे कमेंट भी किया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है या फिर रिजल्ट अच्छा मिला है जो भी मिला है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताना है जो लोग ब्रिंजालों को अपनी फसल पर छिड़काव किया है उन लोगों के लिए बता रहे हैं और दोस्तों कोई भी किसानों को अगर ब्रिंजालो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर एक नंबर डाल दे रहे हैं इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आप लोग अपना घर तक पहुंचा सकते हैं ऑर्डर करके ब्रिंजालों को कोई दिक्कत नहीं है मतलब अपना हिसाब से एरिया का हिसाब से आप लोगों को सात दिन, दिन या फिर छः दिन या फिर पाँच दिन के अंदर आप लोगों को कुरियर से मिल जाएगा और पेमेंट के बारे में आप लोगों को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है आप लोग आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को घर तक पहुंचा दिया जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ब्रिंजालों को अपनी फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं और मंगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मन में सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और उसके साथ साथ अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं